है अगले मंगलवार और बुधवार को, तो उसमें ये लगभग तय है जो उनके बयान आते रहे हैं कि 15 बिलियन की जगह अब 30 बिलियन का टेपरिंग करेंगे महीने दर महीने, और इससे क्या होगा, मार्च तक उनका जो 120 बिलियन का आंकड़ा है अभी का वो खत्म हो जाएगा। तो मार्च तक क्यूई यूएस का खत्म हो जाएगा। मार्केट्स ने ज्यादातर पचा लिया है, बट इस बैठक में तीन अहम बातें रहेंगी। एक तो ये टेपर बढ़ाएंगे 30 बिलियन तक, दूसरा के इंटरेस्ट रेट हाइक कब आता है, और तीसरा वो पीक इंटरेस्ट रेट, उनका जो डॉट चार्ट आता है पीक इंटरेस्ट रेट कहाँ तक देख रहे हैं। अभी जो मार्केट में सहमति है कि ये रेट बढ़ेंगे जरूर अगले साल, थोड़ा बहुत बढ़ेंगे अमेरिका में, बट पीक रेट इस साइकिल में पिछली साइकिल की तरह 5% वगैरह तक नहीं जाएगा, 2% तक पीक हो जाएगा रेट। तो ये डॉट चार्ट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अगले हफ्ते, ये मार्केट्स का रुख डिसाइड करेगा। अगर ये जैसे अभी सहमति है उस पे आता है तो एक सेंटा क्लॉस रैली आ सकती है, नहीं तो फिर मार्केट्स रिस्क ऑफ आ सकते हैं। दूसरी बात है बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है, उसमें पिछली बारी भी उम्मीद थी कि वो रेट्स बढ़ाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ी है, बट अभी जिस तरह से संक्रमण हो रहा है ये नए वेरिएंट का यूके में, लगता नहीं कि वो रेट बढ़ा पाएंगे, तो उससे भी मार्केट थोड़े इंडिकेशंस लेगा। बैंक ऑफ जापान ने ऑलरेडी कहा है कि वो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे अब स्टिमुलस, बट उसपे बने रहेंगे। और जैसे दीप कह रहे थे, चाइना ने जो मंडे को घोषणाएं की, एक उन्होंने रिजर्व रेट काटा, जो हमने जुलाई से कहा था कि हमें उम्मीद है नवंबर दिसंबर में अगला रिजर्व रेट कट आएगा, वो आ गया, और उससे हमने देखा जिस तरह मेटल्स दौड़े कल और पूरा एक खुशहाली का वातावरण आया मार्केट्स में। दूसरा, उनके कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने, जो उनका कैबिनेट है, उसके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से रखेंगे कि ग्रोथ जारी रहे। बीच में अनिल जी ये कह गए थे कि हम काउंटर साइक्लिकल नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, तो लग रहा था ये टाइटनिंग हो रही है, बट ये जो मंडे को इनका बयान आया है उससे लग रहा है कि फिर से ये काउंटर साइक्लिकल आएंगे, क्योंकि चाइना का जो फोरकास्ट है अगले साल काफी तेजी से गिरने का है, लगभग 8% से चाइना 4.5% आता है जो लेटेस्ट आईएमएफ का फोरकास्ट है, तो उसके अगेंस्ट लगता है कि ये काउंटर साइक्लिकल मेजर्स लाएंगे जो पूरे विश्व में एक लिक्विडिटी डालता है, दूसरा कमोडिटी प्राइसेस को बढ़ाता है, और ओवरऑल रिस्क ऑन को फिर से एनकरेज करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल्स रहेंगे। दिसंबर में छुट्टी नहीं है अनिल जी, इसलिए क्योंकि ये सब सिग्नल पकड़ के फिर जनवरी का डिसाइड होगा कि जनवरी इफेक्ट आता है और मार्केट्स दौड़ते हैं क्या।